पेरिस ओलंपिक्स में भारत की बेटी ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता और देश को पहला मेडल दिलाया। इसी के साथ मेडल टेबल्स में भारत ने भी खाता खोल दिया है। आज की कहानी देश की एक और जाबाज शूटर की है, जो बिहार से है, उम्र 16 साल है और जिसने निशानेबाजी से गोल्ड मेडल्स की छड़ी लगा दी है। स्क्रीन पर शूटिंग गन लिए देश की इस बेटी का नाम है ऋषिका राज। ऋषिका भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाने के लिए लगातार अपने कदम बढ़ा रही है। ऋषिका अब तक 20 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीत चुकी है। हाल ही में बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दमदार शूटिंग से ऋषिका ने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीते। मैं एयर पिस्टल की शूटर हूँ। मैंने अभी 34वां स्टेट राइफल एसोसिएशन का कंपटीशन किया है, उसमें मुझे 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मिले हैं। लगभग ये मेरा तीसरा साल है और 33rd एंड 34th दोनों मैंने ही जीते हैं गोल्ड। मेरे पास लगभग अभी 20 से ऊपर गोल्ड मेडल्स हैं और कुछ 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। ऋषिका के शूटिंग करियर को उड़ान दी उनके पिता ने। ऋषिका के पिता रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। वो ऋषिका को हमेशा शूटिंग के बारे में बताया करते थे, जिससे ऋतिका को हौसला मिलता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शूटिंग करूंगी, पर मेरे फादर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। उनको चाहिए था कि उनका कोई एक बच्चा स्पोर्ट्स में हो, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा जाने लगा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टेट खेला था, मुझे फर्स्ट टाइम में ही गोल्ड मेडल मिला। एक और नाम जिसने ऋषिका को मोटिवेट किया, वो है बिहार की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह। श्रेयसी पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग के शॉटगन ट्रैप इवेंट के लिए भी सिलेक्ट हुई है। श्रेयसी जमुई से बीजेपी MLA भी है। ऋषिका अपने शूटिंग करियर में श्रेयसी को बतौर रोल मॉडल देखती है। श्रेयसी से मिलने और उनसे सलाह लेने के बाद ऋषिका ने अपने सपनों को और भी ऊंचा करने की ठानी। श्रेयसी सिंह को जो अभी पेरिस ओलंपिक खेल रही हैं उनको अब ऋषिका भारतीय टीम के ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी। उनका सपना है कि वो देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भारत को एक और शानदार जीत का तोहफा मिले और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा हो सके। पहली बार में इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने वहाँ से सोचा कि बस अब यही करना है। आगे तो ओलंपिक ही है, उससे पहले नेशनल्स, फिर उसके बाद इंडियन टीम में सिलेक्ट होना है, फिर नेशनल ओलंपिक जाऊंगी। ऋषिका की मेहनत और लगन बिहार ही नहीं देश की कई और बेटियों के लिए भी मोटिवेशन है। जाते जाते हम आपको पेरिस ओलंपिक्स का एक अपडेट भी दे देते हैं। फिलहाल मनु भाकर ने वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में 221.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फाइनल में मनु ने शुरू से ही तीसरा स्थान बरकरार रखा था और तीसरा स्थान ही हासिल किया। फिलहाल मेडल टैली की बात करें तो जापान फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सेकंड और US थर्ड पोजीशन पर है। वहीं भारत एक ब्रॉन्ज के साथ 22वें नंबर पर बना हुआ है। आज की वीडियो में हमने आपको ऋषिका की ये शानदार कहानी सुनाई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।